हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शोम्स आईएएस। मैं गोविंद नेगी शोम आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म में शोम्स आईएएस। यहां पर हम इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं। कल के क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, जिसके अंदर इनइक्वालिटी, एडजस्टेड एचडीआई के बारे में बात किया था, इंडिया का रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये बात किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझे थे। और आज के लिए मैंने आपको बताया था कि हम शुरू करने वाले गिनी कोफिशिएंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड ग्रीन जीडीपी। बिफोर वी स्टार्ट आर वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू आर न्यू इन दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको लगता है कि किसी को इन फ्री वीडियोस की बहुत ज़रूरत है जहाँ पर वो कंप्लीट कोचिंग करना चाहता है, तो प्लीज़ सजेस्ट माय चैनल। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको बीच में नहीं छोड़ेगा, ये आपकी कोचिंग कंप्लीट करवाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, सो गिनी कोएफिशिएंट से हम चीज़ें को शुरू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ओके, गिनी कोएफिशिएंट होता क्या है? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी इसके बारे में काफ़ी बार बताया है पिछले क्लासेस के अंदर कि गिनी कोएफिशिएंट आपको इनइक्वालिटी बताता है, इनइक्वालिटी के बारे में बताता है कि किस देश के किस किस एरिया में कितनी इनइक्वालिटी हाई है, कितनी इनइक्वालिटी लो है, या फिर कहाँ पर बिल्कुल बैलेंस है, राइट? ये गिनी कोएफिशिएंट से हमको आइडिया लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है गिनी कोएफिशिएंट। ओके, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज समझे कि गिनी कोएफिशिएंट हमारे को हमेशा परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी, परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स में अच्छे से लिखना। क्या दिखाता है? परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी। अब इसको कैसे समझेंगे आप? देखो, परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी क्या है, इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ एक चार्ट के मदद से। ठीक है, मान लीजिए यहां पर पॉइंट वन है। ओके, थोड़ा मुझे इस पैड में स्टेबलाइज होने में टाइम लग रहा है। पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। ओके, यहां पर जो भी चीजें होंगी वो होगी पॉपुलेशन, और यहां पर होगी इनकम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, वन टू थ्री, इसको मिटा दूँ। फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये जो हाइट है ये आपकी इनकम की है, और ये यहाँ से ये पॉपुलेशन है, ठीक है।
ओके, तो गिनी कोएफिशिएंट क्या बोलते हैं, परफेक्ट इनइक्वालिटी क्या है? इसको 10 तक कर दूं, 8, 9, 10, 8, 9, 10, ठीक है, इसको भी वैसे ही कर देता हूँ। ओके, सो 7, 8, 9, 10, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन। ओके, तो मान लो हमारी पॉपुलेशन है 10 लोगों की और इनकम भी 10,000 तक जाती है। ओके, अब गिनी कोएफिशिएंट क्या देखता है, कंट्रीब्यूशन देखता है। एक बंदा जो 1,000 रुपये कमा रहा है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, 1%। जो दूसरा बंदा, जो 2,000 रुपये, ऐसे लोग जो 2,000 रुपये कमा रहे हैं उनका जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जो 3,000 रुपये कमा रहे हैं उनका जीडीपी में 3% कंट्रीब्यूशन है। इस पैट के साथ बड़ा मुश्किल है। जो 4,000 रुपये कमा रहे हैं उनका जीडीपी में 4% है। जो 5,000 रुपये कमा रहे हैं उनका जीडीपी में 5,000 रुपये है। और जो 6,000 रुपये कमा रहे हैं उनका जीडीपी में 6% का स्टेक है। जो 7,000 रुपये कमा रहे हैं उनका जीडीपी में 7,000 का पर स्टेक है। जो 8% लोग हैं उनका जीडीपी में 8% का है। और जो 9% लोग हैं जीडीपी में 9% का है। और वैसे ही जो 10% लोग हैं उनका जीडीपी में 10% का स्टेक है, राइट। अब यहाँ से देखो, ये जो यहां से लाइन ड्रॉ हो रहा है ना, बिल्कुल सीधा, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा, ये बिल्कुल सीधा जो लाइन बनता है, इस लाइन को बोलते हैं द परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी, परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी, ये शो करता है द परफेक्ट लाइन ऑफ इक्वालिटी। ओके, जब किसी भी देश में कंट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा तो उस देश में इक्वालिटी अच्छी है, राइट। अब होता क्या है, इनइक्वालिटी का कैसे पता चलता है, देखो। कम ऑन सेलेक्ट हो जा। ओके, तो जब 1% लोग, कौन क्या कर रहा है यार, कोई भी कलर लो वो यही चलेगा, एक्सेप्ट दिस। जो 1% लोग हैं वो 1% से थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो 2% लोग हैं वो 2% से थोड़ा कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3% जो लोग हैं वो 3% से थोड़ा कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वैसे ही जो 6% लोग हैं वो 6% से थोड़ा कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो 7% लोग हैं
7% से थोड़ा कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 8% लोग हैं 8% से थोड़ा कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो कर्व आपको दिखाई देता है, और ये ऐसा घूमता है, यहाँ पर मान लो कुछ पार्ट कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर सभी के सभी कम कंट्रीब्यूट कर रहे होते तो बात अलग था, यहाँ पर 8 तक तो सेम कर रहे हैं, बाकी उसके बाद वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये कर्व बनता है यहाँ पर, है ना। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ऑरेंज वाला पार्ट लूँ, मान लो कि एक बंदा और कम कंट्रीब्यूट कर रहा है इधर, दो 2% से नीचे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तीन वाले से नीचे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वैसे ही 6 से आ जाता हूँ, 6 वाला 6 से नीचे कंट्रीब्यूट कर रहा है, 7 वाला 7 से नीचे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे करके, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर मान लो कि 8 वाला और थोड़ा कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, और 10 वाला उससे भी कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर एक और लाइन बन जाता है, ये लाइन नमस्कार है। तो इसके बीच का ये जो एक्स्ट्रा एरिया बच रहा है ना, ये है इनइक्वालिटी, समझ आया। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी शो होती है गिनी कोफिशिएंट। ये मैप आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसा ध्यान रख लो ताकि आपको ये चीज़ें याद आ जाए, याद रह जाए, ओके। सो ये गिनी कोफिशिएंट इस तरीके से दिखाता है इनइक्वालिटी जो हो रहा होता है, राइट। अगर आप बात करें कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने का बहुत इजी तरीका है, आज ये काम क्यों नहीं कर रहा अच्छे से, ओके। हाउ टू फाइंड गिनी कोफिशिएंट, ठीक है, इसको फाइंड कैसे करते हैं। गिनी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। इस लाइन के बाद ये जो एक्स्ट्रा एरिया बच रहा था ना, ये इनइक्वालिटी का होता है हमेशा, ठीक है। ये जो इस तरीके से कर्व बन रहा है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि जितना एरिया ज़्यादा होगा ना इन दोनों लाइन के बीच में, उतना ही इनइक्वालिटी वो हाई होगी, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही इनइक्वालिटी हाई होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपने याद रखना है, अगर गिनी कोफिशिएंट हाई है तो इनइक्वालिटी भी हाई होगी, कहीं पर अगर गिनी कोफिशिएंट ज़ीरो है तो वहाँ पर इक्वालिटी होगी, समझ आया। तो इस तरीके से चीज़ें देखी जाती है। अब नेक्स्ट आता है इंडिया का क्या हालत है, यहाँ पर इंडिया का गिनी कोफिशिएंट वैल्यू है आज के टाइम पे 0.37%, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर आज से लगभग एक डेकेड पहले देखे जाए, है ना। ये ऑलमोस्ट 30-31% था, 0.32-0.31% था, राइट। तो इसका मतलब है कि ये बढ़ ही रहा है, तो इसे काउंटर करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की ज़रूरत है, सो दैट कि हम इसको काउंटर कर पाए, राइट। आई एम श्योर गिनी कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, इतना
मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। अब इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए देखो, ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, इस कॉन्सेप्ट का शुरुआत इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी 11th 5 ईयर प्लान, जिसको बाद में फॉलो किया था 12th 5 ईयर प्लान ने भी। ये शुरू हुआ था 11th 5 ईयर प्लान से, जिसको 12th 5 ईयर प्लान ने भी फॉलो किया था। ठीक है, सो मैंने आपको कल एक काम दिया था, याद है, नेक्स्ट पिछले क्लास में, कि आपने बताना है 11th 5 ईयर प्लान का टाइटल क्या था और सॉरी 12th 5 ईयर प्लान का टाइटल क्या था, दोनों का टाइटल क्या था। आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा। ओके, सो 11th जो 5 ईयर प्लान का था, इसका था टुवर्ड फोस्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, टुवर्ड फोस्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, अब 12th में भी लगभग ऐसा ही था, थोड़ा सा चेंज था, जैसे फोस्टर ग्रोथ की बात करी थी, बट साथ में इन्होंने कहा था मोर सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये था दोनों का थीम, राइट। सो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपने ये पता किया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप बोलोगे कि अरे इंक्लूसिव ग्रोथ जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, इसका एक्चुअली में मतलब क्या है। देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि सभी एरिया में, सभी सेक्टर में बराबर बराबर का कंट्रीब्यूशन हो। ठीक है, अगर सभी सभी एरिया में बराबर बराबर का कंट्रीब्यूशन होगा, बराबर बराबर की चीज़ें होंगी, तभी चीज़ें सारी अच्छे से होगी। ठीक है, सो होता क्या है, देखो एक एक बात समझो। मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लांट, पावर प्लांट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पावर प्लांट। अब ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पावर प्लांट है, इससे क्या होगा, बस इससे निकलेगी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, फैक्ट्रीज बनेगी। फैक्ट्रीज से क्या होगा,
प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से क्या होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। ये तो एक एस्पेक्ट है। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी पावर प्लांट बनना है, ए बी सी पावर प्लांट, इसका प्लेस डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होता है? क्या ये किसी सिटी में बनता है? हाँ, आपने देखा कि कभी ऐसा पता चला कि राष्ट्रपति भवन के प्रेसिडेंट हाउस के पीछे एक पावर प्लांट सेटअप किया गया? ये मेनली कहाँ पर होता है? विलेजेस में, रूरल एरिया में, है ना? इसके इसके दो दो तीन ऐसे तो कारण भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कि जो मेन रीजंस है। जो रीजंस मेन रीजंस है वो है जैसे पॉपुलेशन, एक तो बहुत पॉपुलेशन है शहरों में, पॉपुलेशन इतना है कि वहाँ पर जगह की कमी पड़ जाती है, ठीक है। सेकंड है पॉल्यूशन, पहले ही इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि वहाँ पर फैक्ट्री लगा के वहाँ पर ये सारे न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करना और है ना प्रदूषण फैलाना, वो और मतलब इन हैंड चीज़ें नहीं लगती, वो मुश्किल है। सो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर लैंड भी कम होंगी, लैंड शॉर्टेज होगा, राइट। सो फाइनली क्या आती है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो आता है, वॉइस एंड वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो ये सारी चीज़ें तो एस्पेक्ट है ही, है ना, ये सारी चीज़ें तो एस्पेक्ट है ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, पर उसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा ये भी है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप किसी रूरल एरिया में, किसी सिटी में, मान लो कि यहाँ पर महाराष्ट्र है या फिर एमपी है ना, एमपी के एक एरिया में अगर आप यहाँ पर कुछ करना जा रहे होंगे ना, जो सिटी के आसपास है, सिटी के आसपास है पर लैंड है ना, यहाँ पर चीज़ों को करना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज ऑफ वॉइस, राइट। वॉइस से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर पीपल प्रोटेस्ट, पीपल, यहाँ पर पीपल प्रोटेस्ट बहुत हाई होंगे, ठीक है। ये अकाउंटेबिलिटी पूछेंगे, क्या है, क्यों है, क्यों कर रहे हो, रीज़न क्या है, हर चीज़ का सवाल पूछेंगे। तो ऐसे शहरों में कहीं ना कहीं करना यहाँ पर बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो लोग यहाँ पर, ये गवर्नमेंट जानती है, ये एजेंसी जानती है कि यहाँ पर ये प्लांट सेटअप करना बहुत मुश्किल होगा, तो चलो रूरल एरिया में चलते हैं, वहाँ पर वॉइस भी कंपेयरली लो होगा, अगर कोई ज़्यादा बोलेगा तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी, कोई लोग इतने पढ़े लिखे हैं नहीं तो लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो कोई सवाल रेज ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी चांसेस बहुत कम है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इतनी कम है सो दैट कि यहाँ पर आराम से फोकस किया जाता है प्लांटेशन में, है ना। तो ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती है। अब आप देखो कि यहाँ पर इक्वालिटी दिख रही है आपको, राइट, यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रहा है, यहाँ पर देखो ये चीज़ तो दिखाई दे रही है, जो पावर प्लांट है ना, वो रूरल एरिया में बन रहा है, रूरल एरिया में पावर प्लांट बन रहा है, डैम्स बन रहे हैं, है ना, सब कुछ यहाँ पर बन रहे हैं, और जो इसका इम्पैक्ट है प्रोडक्शन होके जो जाएगा, जो बेनिफिशरी होते हैं, जो भी बेनिफिशरीज है वो है सिटीज़, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बेनिफिशरी नहीं होंगे, ये भी होंगे, बट ज़्यादातर जो बेनिफिशरी होगी वो होगी सिटीज़। तो यहाँ पर आप देखो ये सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई दे रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है।
इन सभी चीज़ों को अगर हम अकाउंटेबिलिटी लें, इनकी अगर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें, तो हर जगह में अगर डेवलपमेंट यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, तो वही आपको हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगे, वही आपको मणिपुर में भी मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही सारे कॉन्सेप्ट आपको देश के हर स्टेट में मिलेंगे। सो वो क्या दिखेगा, यहाँ पर भी सेम डेवलपमेंट है, यहाँ पर भी सेम डेवलपमेंट है, सेम डेवलपमेंट है। तो अगर सभी जगह में सेम डेवलपमेंट हो रहा होगा, तो उसे उसे कहा जाता है, हम टॉपिक करें इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, सो आई एम श्योर कि इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल से ही आपको समझ में आ जाता है ड्राइव फॉरवर्ड टू फ्यूचर। ठीक है, और ग्रोथ का तो मतलब है ही ग्रोथ, या फिर इसको बोलो डेवलपमेंट किसी भी एस्पेक्ट में। ठीक है, अभी जो सस्टेनेबल ग्रोथ है, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वेरी फर्स्ट टाइम एक टॉक हुई थी, इसका नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस, ये जो टॉक हुई थी, ये हुई थी 1986, है ना। अगर इसके बारे में अगर आपने पढ़ना है, तो आप इसको जियोग्राफी 11th में मिलेगा आपको। ठीक है, जियोग्राफी 11 के एनसीईआरटी में शुरू शुरू के चैप्टर में ही है, शुरू में दिया हुआ है कहीं। ठीक है, ओके, चलिए। ये जो टॉक है, ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि इसके लगभग एक ही साल बाद 1987, इसमें एक कमीशन बिठाई गई, ब्रंटलाइन कमीशन, ब्रंटलाइन कमीशन बिठाई गई। अब ये ब्रंटलाइन कौन थे, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उस वक्त में नॉर्वे के पीएम थे। ठीक है, इन्होंने कमीशन को हेड किया था। और यहाँ पर एक और बात याद रखना, इस कमीशन से डिमांड करी गई थी रिपोर्ट, इन कमीशन को बोला था आप इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के दो, हमें डिमांड करी गई थी एक अ रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, ये रिपोर्ट डिमांड किसने करी थी, ये डिमांड करी थी डिमांडेड बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन
यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कमीशन रिपोर्ट किसने किया था अभी सबसे पहले? 1987 में ब्रुंटलाइन कमीशन ने इसे करा था और ये डिमांड किया गया था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, बहुत ज़रूरी है ये। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि आप मुझे ये बताओ कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? व्हाई सो इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जो गोल्स थे वो स्मार्ट गोल्स थे, वो जानते थे कि रीज़न क्या है और कैसे हम इसको अचीव कर सकते थे। शुरू में सस्टेनेबल ग्रोथ, इसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, और शुरू में ये सिर्फ 17 सस्टेनेबल ग्रोथ थे, ठीक है, और 17 गोल्स थे, ठीक है, इसके अंदर 17 गोल्स रखे गए थे, जिसको बोला जाने लगा, यहाँ जैसे लिख देता हूँ, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसको अगर समटाइम्स आपको ऐसे मिले MDG, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सिर्फ एम और एस का होगा डिफरेंस, ठीक है। ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसके अंडर में पास्ट में पहले ये अराउंड 2000, है ना, अराउंड 2000 में क्या किया, 15 साल का गोल लिया गया इसमें, है ना, गोल लिया गया 15 इयर्स का, और इन्होंने बोला कि इसके अंदर हम मेनली आठ जो मिलेनियल गोल है, आठ जो मिलेनियम गोल्स है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं था, चाइल्ड हेल्थ, है ना, वुमेन हेल्थ, उसके बारे में बात करी गई थी, डिजीज एलिमिनेशन, ये भी उसके अंदर था, एजुकेशन भी था इसके अंदर, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर था पुअर्टी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी, मतलब काफ़ी गोल्स थे। अगर इसके बारे में पढ़े तो लगभग एक वीडियो और बन जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखना है कि ये मिलेनियम गोल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी। ओके, अब हुआ क्या कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसके बाद बनाए गए, है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके अंदर भी ये 17 गोल्स रखे, इसके अंदर इसको डिवाइड किया गया 169 सब गोल्स के साथ, या फिर आप बोल सकते हो एक टारगेट, एक टारगेट, ठीक है। अब ये जो टारगेट रखे गए हैं, ये रखा गया था 2016 से लेकर 2030 तक। यहाँ पर भी हमने ऐसी ये बातें करी है, ठीक है, जैसे हमने पहले बात करी थी
ये जो पुअर्टी है इसको कितना कम करेंगे, है ना, और ये जो डेवलपमेंट है इसको कितना बढ़ाएंगे, तो ये सारी बातें हम लोगों ने पहले करी थी, ठीक है। बट इस बार में हमने क्या करी, इस चीज़ इसके जो गोल्स है इसको बढ़ा दिया। हमने बोला कि जैसे पुअर्टी, हमने यहाँ पर बात करी थी कि पुअर्टी को हाफ परसेंटेज से कम कर देंगे, है ना, हाफ परसेंटेज ऑलमोस्ट। मान लो कि अगर किसी में पुअर्टी 10% है तो हम उसको घटा के 5% रख देंगे, समझ में आए, तो वो कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ये सारे गोल लिया है और इंडिया ने बोला है कि सॉरी, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया गया है इसके अंदर बोला गया है कि 2016 से लेकर 2030 तक हम ये जो 50% हमने कम किया है इसको ऑलमोस्ट 0% कर देंगे, ठीक है। ये गोल्स जो है, ये गोल्स तो वही है, इसीलिए अगर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछा जाए तो आपको ये छोटी छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, नथिंग बट ये यहीं से ड्राइव्ड है ना, ये यहाँ से लाया गया है इसको, ये एक प्रकार का सक्सेसर है इसका, समझ में आया। हमने यहाँ पर आउटपुट अच्छी देखी सो दैट हमने इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया है ताकि हम इससे और ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। क्लियर, आई एम श्योर कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बचता है वो है ग्रीन जीडीपी। ओके, कम ऑन। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास बचता है वो बचता है ग्रीन GDP, ठीक है। ग्रीन GDP बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट भी है दोस्त, ग्रीन GDP, ठीक है। अब ग्रीन GDP के बारे में पढ़ोगे तो इसका मतलब कुछ नहीं है, ये है ग्रोथ ऑफ अ कंट्री कंट्री माइनस इम्पैक्ट ऑन नेचर, है ना, या इसको एग्जैक्टली वर्ड्स में बोला गया है बायो डायवर्सिटी, ठीक है। बायोडायवर्सिटी में जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट अगर हम किसी भी तरीके से हटा दें तो वो ग्रीन जीडीपी होगी। सपोज अगर यहाँ पर कंट्री ए है, ठीक है, कंट्री ए ने क्या किया, इनपुट इनपुट मीन्स एक्सट्रैक्शन किया, रॉ मटेरियल्स निकाले, है ना, नेचर का इस्तेमाल करके, वुड्स वाटर फॉरेस्ट ये सारा इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने उसका प्रोसेस करा और ग्रोथ देखी। इसके बाद मान लो कोई कंट्री कितना कमाता है, वो कमाता है 2000 बिलियन US डॉलर्स, राइट। अब ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पर, ये बोलता है अगर कोई ग्रीन जीडीपी लेता है, कोई ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट लेता है, इसका मतलब बहुत सिंपल होगा कि ये जो कंट्री ने मान लो 2000 बिलियन डॉलर तो कमाए, 2000 बिलियन डॉलर तो कमाए, देखा जाएगा कि अब इम्पैक्ट कितना किया है, इम्पैक्ट इन बायो डायवर्सिटी क्या किया है, तो यहाँ पर देखा कि बायोडायवर्सिटी के अंदर इसने 200 बिलियन डॉलर्स का नुकसान किया बायोडायवर्सिटी का। तो हो गया क्या इस कॉन्सेप्ट में, अब इन्होंने बोला कि अगर जब भी ऐसा होगा तो हम उस देश की जीडीपी को कम कर देंगे। कैसे, तो हम क्या करेंगे कि मान लो कंट्री ए
इसकी जीडीपी थी $2,000 और इसको माइनस कर देंगे बायोडाइवर्सिटी के नुकसान से, $200 बिलियन। ठीक है, तो कितना आया ये? ये आया $1,800 बिलियन, राइट। सो इस तरीके से ये जो $1,800 बिलियन आया, ये आया आपका ग्रीन जीडीपी। अभी इंडिया ने इसके बारे में बोला तो है, बट इंडिया कब इसको स्टार्ट करेगा, कब से ये कैलकुलेट करना शुरू करेगा, अभी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। एक इंटरेस्टिंग सा हिस्ट्री है, हुआ क्या, इसका इंट्रोड्यूस ना चाइना ने किया था, है ना। चाइना ने इंट्रोड्यूस करा ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी इंडिया ने, चाइना ने इंट्रोड्यूस करा है बॉस। ठीक है, तो हुआ क्या कि चाइना ने बोला ठीक है मेरे देश का ग्रोथ इतना है, और इम्पैक्ट वो इतना है, मैं हमेशा इम्पैक्ट को माइनस करके ग्रीन जीडीपी निकालूंगा, हैं? ठीक है, ग्रीन जीडीपी निकालूंगा। पर साल दस साल क्या होता गया कि पहले इन्होंने ग्रोथ देखी कि 100 का हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है 50 का, कैलकुलेशन अच्छे से किया तो ग्रोथ हो रहा है 100 का, इम्पैक्ट हो रहा है 60 का। फिर उन्होंने देखा कि और कैलकुलेट किया, 100 है, इम्पैक्ट हो रहा है 80 का। बाद में ऐसा करते करते देखा तो उनको पता चला कि उनकी जीडीपी तो बहुत कम है, जीडीपी तो बिल्कुल ऑलमोस्ट 20% से नीचे है, राइट। सो उन्होंने बोला नहीं नहीं इससे तो मेरा जीडीपी बहुत कम नज़र आया है, मैं ऑल ओवर इसको यूज़ ही नहीं करूँगा। तो उन्होंने ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया अपने कैलकुलेशन से, राइट। ये छोटी सी हिस्ट्री है, इसको याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है। आई एम श्योर कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, अपने डाउट्स ज़रूर पूछिए, इससे हमको मोटिवेशंस मिलती है। टिल देन आर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, स्टे सेफ।